हाय, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो आर्ट एंड कल्चर है उसके करंट अफेयर की बुकलेट रिलीज हो चुकी है विजन आईएएस की, जिसको हम PT 365 भी बोलते हैं, राइट। सो अब हम इसमें देखते हैं कि पिछले इस साल के जो करंट अफेयर है इम्पोर्टेंट वो क्या क्या है। जैसे आर्किटेक्चर टॉपिक से देखते हैं, यूनेस्को रिकॉग्निशन, शांति निकेतन। शांति निकेतन हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। ये शांति निकेतन है। अब ये सिंपल सी जो चीज़ है, देखने में बिल्कुल मामूली सी लग रही है, शांति निकेतन गृह, इसको यूनेस्को की 41 हेरिटेज साइट क्यों बोला गया है, देखते हैं। ये थर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वेस्ट बंगाल की, आफ्टर द सुंदरबन नेशनल पार्क एंड दार्जिलिंग माउंटेन रेलवेज, अलोंग विद रविंद्रनाथ टैगोर, सुंदरनाथ कर, नंदलाल बोस, पैट्रिक एंड आर्थर गैडिस प्लेड अ की रोल इन शेपिंग इट। रिकमेंडेशन वॉज मेड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। अब जैसे हम देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं। इट इज़ एनी ऑफ द एरियाज और ऑब्जेक्ट इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, ठीक है। ये जो साइट है वो उनको डेजिग्नेट करते हैं हम एज हैविंग आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑफ 1972, जिनकी यूनिवर्सल वैल्यू है। साइट को सेलेक्ट करते हैं तीन कैटेगरीज पे बेस्ड पे, पहले जैसे कि कल्चरल है, नेचुरल है या फिर मिक्स्ड है। यहाँ पे 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इंडिया में, इनमें से 34 जो है वो कल्चरल साइट्स है, 7 जो है वो नेचुरल हैं और जो एक है वो मिक्स टाइप है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर नॉमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द टेंटेटिव लिस्ट सबमिटेड द बाय द मेंबर्स फॉर इंक्लूजन इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। एक साइट को क्या करना है, मीट करना है वन ऑफ द 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब देख लेते हैं इसमें अबाउट इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, जेनेसिस देखते हैं। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1965 एज एन आउटकम ऑफ द सेकेंड कांग्रेस ऑफ आर्किटेक्ट एंड स्पेशलिस्ट ऑफ हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हेल्ड इन वेनाइस इन 1964। हेडक्वार्टर है इनका पेरिस में, फ्रांस में। ग्लोबल एनजीओ एसोसिएटेड विद यूनेस्को whose mission is to promote the conservation, protection, use and enhancement of monuments, building complexes and cultural heritage sites. Member कितने हैं? 151 countries इसके member हैं, India भी इसका एक part है। दूसरे की facts देख लेते हैं। Advisory body of the World Heritage Committee for the implementation of the World Heritage Convention of UNESCO report heritage at risk. शांति निकेतन अबोड ऑफ पीस, लोकेशन है इसकी डिस्ट्रिक्ट बिरहम में, वेस्ट बंगाल में। ये एक एलिमेंट रहा है एंशंट मेडाइवल एंड फोक ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया एज वेल एज जापानीज चाइनीज पर्शियन बैलिनेज बर्मेज एंड आर्ट डेको फॉर्म्स वेस्टर्न यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स की आर्किटेक्चर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। जैसे कि कल्चर में है, जैसे चाइनीज का है तो एग्जाम्पल है जैसे सर्कुलर विंडो ऑफ गुनागर, जापानीज का है जैसे वुडवर्क है, न्यू गोथिक एंड न्यू क्लासिकल का है जैसे बंगलो स्टाइल ऑफ शांति निकेतन गृहा एंड सुरुल कुटीबारी, बुद्धिस्ट है जैसे अजंता पठा भवन एंड सांची रेलिंग ऑफ छत्तीमतला, सल्तनत एंड मुगल पीरियड आर्चीज फैकेज एंड जालीज, बंगाली चेटी इंस्पायर्ड बाई ए रूरल बंगाली हट। ओके, सो अब हम यूनिकनेस, यूनिक इंडियन एग्जाम्पल ऑफ अ टोटल वर्क ऑफ आर्ट जिसको हम बोलते हैं गेसम तुक्स वर्ब, वेयर लाइफ लर्निंग वर्क एंड आर्ट अलोंग विद द लोकल एंड ग्लोबल इंटरवाइन। एस्टेब्लिशमेंट अर्ली डेज 19th century में इसको एस्टेब्लिश किया था महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने। हैज सब्सटैंशियल सोइल इरोजन विच गेव सर्टेन एरियाज अ बैरन लुक, लोकली जिसको खाऊ भी बोलते हैं। फ्लैंक बाई द अजय एंड कोपई की आर्किटेक्चर एंड कल्चरल फीचर्स ओवरऑल देख लेते हैं।
फर्स्ट आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स वो पार्ट है कॉम्प्लेक्स के, वॉज द ग्लास टेम्पल, जिसको हम मंदिर भी बोलते हैं, वेयर वर्शिप इज नॉन डिनोमिनेशनल इंडिजिनस आर्किटेक्चर स्टाइल। बिल्डिंग्स मटीरियल दोनों ट्रेडिशनल मटीरियल्स है, मड एंड थैश एंड रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। डेकोरेशन मुराल, फ्रिस्कोज, स्कल्पचरल फ्रीजेस ऑन वॉल्स एडॉर्न विद बरहुत, महाबलीपुरम, मोहनजोदारो, इजिप्शियन एंड एसीरियन मोटिफ। रविंद्रनाथ टैगोर पीरियड इन शांति निकेतन, ही बिगैन हिज जर्नी इन शांति निकेतन बाई एस्टेब्लिशिंग ब्रह्माचार्यश्रमा इन 1901, इंस्पायर्ड बाई इन एंशंट वैदिक ट्रेडिशंस ऑफ तपोवन एंड गुरुकुल विद ओपन एयर क्लासरूम्स अरेंज अंडर द कैनोपीज ऑफ ट्रीज। From 1925, this ashrama came to be known as Patha Bhavana. He established ashrama in Shanti Niketan, Vishwa Bharati University, Shanti Niketan, ek world university jisko hum Vishwa Bharati bhi bolte hain, 1921 mein established hui thi. 1951 mein Vishwa Bharati transitioned into a central university with Rabindranath as the first vice chancellor. Related news dekh lete hain, Bangalore Mati. वेस्ट बंगाल ने डिक्लेयर किया है रविन्द्रनाथ टैगोर्स बांग्लर माटी बांग्लर जोल एज इट्स स्टेट एंथम। वेस्ट बंगाल असेंबली ने पास किया एक रेजोल्यूशन मेकिंग पोइला बैसाख फर्स्ट डे ऑफ द बंगाली कैलेंडर दैट इज अप्रैल 15 एज द स्टेटहुड डे। सॉन्ग वॉज रिटन ड्यूरिंग द बंगा भांगा मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन एंड प्रमोट्स कम्युनल हारमोनी थ्रू रक्षाबंधन। टैगोर ऑल्सो कंपोज अमर सोनर बंगला, जिसको हम नेशनल एंथम भी बोलते हैं बांग्लादेश का। सेक्रेड एंसेंबल्स ऑफ होयसालास, सेक्रेड एंसेंबल्स ऑफ होयसालास इन कर्नाटका हैज बीन डिक्लेयर्ड एज 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। चेन्ना केशवा टेम्पल, इट इंक्लूड्स द टेम्पल ऑफ चेन्ना केशवा टेम्पल बेलूर एंड होयसालेश्वरा टेम्पल एंड केशवा टेम्पल सोमनाथपुर। होयसालास टेम्पल्स आर द फोर्थ WHS वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ कर्नाटका आफ्टर हम्पी पत्तादकल एंड वेस्टर्न घाट। टेम्पल एंड फीचर्स ऑफ द होयसालास, चन्ना केशवा टेम्पल ऑल्सो रिफर्ड एज विजय नारायणा टेम्पल कमीशन बाई किंग विष्णुवर्धना इन 1117 CE इन बेलूर रीजन हसन डिस्ट्रिक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लोकेशन, इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ यगाची रिवर DT एकाकुता। टेम्पल विद वन श्राइन एंड गर्भगृह सेंक्टम सेंक्टोरम हाउसेज पोर्ट्रेट ऑफ कृष्णा डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु नोन एज चेन्ना केशवा चेन्नई ब्यूटिफुल एंड केशवा विष्णु। इट इज़ लिविंग टेम्पल ओनली वर्शिपिंग टेम्पल अमंग देम। ये है हमारा होयसालेश्वरा का टेम्पल। होयसालेश्वरा का टेम्पल है हेलिबिट टेम्पल कमीशन 1121 CE में। किंग विष्णुवर्धना ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इसके कंस्ट्रक्शन में हलेबेदु हसन में। लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ द्वारा समुद्र लेक DT डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एज नटराजा द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ओके नाव केशवा टेम्पल, दिस इज केशवा टेम्पल, दिस इज विमान। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं विमान। ओके कमीशन बाई सोमनाथा दंदनाया का ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ नरसिम्हा III इन 1268 कॉमन एरा इन सोमनाथपुरा मैसूरु। ये लोकेटेड है रिवर कावेरी पे। DT है इसका त्रिकुटा टेम्पल। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा इन 3 फॉर्म्स। होयसाला का आर्किटेक्चर देख लेते हैं फॉलोड हाइब्रिड और वेसरा टेम्पल स्टाइल। बेसिक फीचर में जैसे एक ब्लेंड है ड्रेविडियन और नगर स्टाइल का। शो करता है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस किसका भूमिजा का। भूमिजा एक वैरायटी है नॉर्थ इंडिया की शिखरा की। कर्नाटा ड्रविडा ट्रेडिशन ऑफ द कल्याणी चालुक्या टेरिटरी। की फीचर क्या है टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल जो है फॉलो करता है स्टेलेटेड प्लान को। लुकिंग लाइक अ स्टार बिल्ट हुआ है एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे जिसको हम अधिस्थाना भी बोलते हैं। मटेरियल जो यूज है जैसे सॉफ्ट स्टोन, ये सॉफ्ट और एमाइबल है, इनसे हम कार्विंग बहुत अच्छे से हो जाती है। गर्भगृह है जिसको हम सेंक्टम सेंक्टोरम बोलते हैं इंग्लिश में।
वहां पे एक मूर्ति होती है, एनश्राइंड आइकन होता है ऑन अ पिठा पेडेस्टल। फिर मंडपाज है, एक हॉल है जहाँ पे ग्रुप्स ऑफ पीपल यूज टूगेदर फॉर प्रेयर्स। हैव सर्कुलर पिलर्स इन देयर मंडपाज। ईच पिलर हैज फोर स्कल्प्टेड फिगर्स ऑन द टॉप ब्रैकेट्स। गोपुरम है, ये एंट्रेंस होता है टेम्पल का। लॉफ्टी गोपुरम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। स्कल्पचर सला भंजिका, एक विमेन, अ कॉमन फॉर्म ऑफ वोमेन, अ कॉमन फॉर्म ऑफ स्कल्पचर। विमान स्ट्रक्चर ओवर द गर्भगृह और इनर सेंक्टम, सिंपल इनसाइड एंड लेविशली डेकोरेटेड ऑन द आउटसाइड। अदर फीचर्स सीलिंग फीचर्ड कॉर्बल्ड डूम्स। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट होसाला डायनेस्टी, जेनेसिस। दे आर बिलीव्ड टू बी नेटिव्स ऑफ द मलनट रीजन इन कर्नाटका, बट इंस्क्रिप्शन ऑल्सो पॉइंट टूवर्ड्स कनेक्शन विद द यादवास फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। फाउंडर इसके कौन थे? किंग नृपा कामा टू थे। उन्होंने एक अलायंस बनाया था वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी के साथ। ठीक है, टाइम पीरियड इनका है 10th से 14th सेंचुरी के बीच में, एंड कैपिटल इनका था बेलूर एंड द्वारा समुद्र हला बिदु। रीजन रूल लार्ज पार्ट ऑफ मॉडर्न डे एरिया, जो कर्नाटका से तमिलनाडु का जो एरिया, वहां पे ये क्या करते थे, रूल इनका होता था। इंपॉर्टेंट रूलर इस टाइम के देख लेते हैं, विष्णुवर्धना राय। ड्यूरिंग हिज रेन श्री रामानुजाचार्य इन्फ्लुएंस स्प्रेड इन द कर्नाटक रीजन एंड श्री वैष्णविज्म ग्रू इन पॉपुलैरिटी। उन्होंने चोलास को रिमूव कर दिया था गंगावडी से, एक बैटल हुई थी तलाकाडू की, फॉर दिस ही गॉट द टाइटल तलाकडू गोंडा। वीरा बल्लला टू फ्रीड द होसाला फ्रॉम द चालुक्य सब ऑर्डिनेशन। एडमिनिस्ट्रेशन किंगडम डिवाइड था नाडूज में, कंपनाज में, विशायाज में एंड देशाज में इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिक्लाइन एंड वीरा बल्लला थर्ड वॉज किल्ड एट द बैटल ऑफ मदुरई इन 1343। देन सॉवरन टेरिटरीज ऑफ द होसाला एम्पायर वर मर्ज विद द एरियाज एडमिनिस्टर्ड बाई हरिहरा वन इन द तुंगाभद्रा रिवर रीजन। टेम्पल्स तो अब आते हैं, जैसे कोनर्क सन टेम्पल का मुरल ऑफ द आइकोनिक कोनर सन टेम्पल व्हील वॉज शोकेस्ड टू द वर्ल्ड लीडर्स एट द G20 समिट। ठीक है, मुरल जो है इसकी वो कहाँ पे शो की गई थी, G20 समिट जब हुआ था वहाँ पे इसकी सन टेम्पल व्हील की वो शोकेस की गई थी। कोनार्क सन टेम्पल के बारे में बात कर लेते हैं, इसको ब्लैक पगोड़ा भी बोल देते हैं, अर्का क्षेत्र भी बोल देते हैं और पद्मा क्षेत्र भी बोलते हैं। 13th सेंचुरी में इसको बिल्ड किया गया था, जब जो किंग नरसिम्हा देवा वन थे उनका जो रेन था ईस्टर्न गंगा में उस टाइम पे। सन टेम्पल हाईलाइट करता है सेलेस्टियल मूवमेंट किसका, सन का। इसमें जो मटेरियल यूज हुए हैं इसको बनाने में वो है क्लोराइट, लैटेराइट एंड खोंडलाइट रॉक्स। बेसिकली ये पत्थर का बना हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर ने डिस्क्राइब किया है इसको एज अ प्लेस जहाँ पे लैंग्वेज जो है स्टोन की वो सरपास करती है लैंग्वेज इसका एक मैन का। दूसरे जो प्रोमिनेंट सन टेम्पल है वो है जैसे मरतंत, ये जम्मू कश्मीर में है। कटरमल का टेम्पल उत्तराखंड में है। सूर्य पहाड़ का टेम्पल असम में है एंड दक्षिणा का टेम्पल बिहार में है एंड अरासावली का टेम्पल आंध्र प्रदेश में है एंड सूर्यनार कोविल का टेम्पल